रूस व यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में यूक्रेन में अलग अलग क्षेत्रों फंसे भारतीय विद्यार्थियों को मोदी सरकार की ओर मिशन गंगा के तहत भारतीय विद्यार्थियों को हंगरी बेरसुला रोमानिया के जरिए सरकार के भारतीय विद्यार्थियों को यूक्रेन से बस के माध्यम से इन देशों की सीमा तक पहुंचे, जहां मिशन गंगा के तहत अभी विद्यार्थियों को विमान से भारत लाया गया, जिसमें डूंगरपुर जिले के 9 विद्यार्थियों को फ्लाइट के जरिए सोमवार को दिल्ली पहुंचे, जहां पर विद्यार्थियों को एक दिन रखने के बाद दिल्ली से फ्लाइट के जरिए मंगलवार सुबह उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट लाया गया। इस दौरान राज्य सरकार के प्रतिनिधि गण व प्रशासन ने विद्यार्थियों का स्वागत व अभिनंदन किया, जिसके बाद निजी गाड़ी की मदद से उदयपुर से दोपहर करीब 1 बजे डूंगरपुर स्थित जिला कलेक्ट्री पहुंचे। यहां सुबह से इंतजार कर रहे छात्राओं के परिजन जैसे ही बच्चों को देखा, आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वहीं बच्चों के परिजनों ने दौड़कर अपने बच्चों को गले लगा लिया। गले लगाने के बाद परिजनों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया, जहां कलेक्ट्री परिसर में एडीएम कृष्णपाल चौहान ने सभी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर व फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं छात्रों ने बताया कि भारतीय एम्बेसी तथा सरकार द्वारा छात्रों को सुरक्षित यूक्रेन से बाहर निकालकर अन्य देशों के माध्यम से भारत ले जाया गया। छात्रों ने बताया कि यूक्रेन में हालत बहुत ही खराब है, बाहर 5 मिनट के बाद मिसाइल बंदूक की फायरिंग और गोले की आवाज आ रही थी। छात्राओं ने सरकार से अपील की कि यूक्रेन की राजधानी कीव में फंसे हुए छात्रों को भी जल्द से जल्द भारत लाने का प्रयास करें। अच्छा फील हो रहा है, बहुत अब लग रहा है कि हाँ हम लोग सेफ है। वहाँ पर था कि थोड़ा खतरा है, जब तक हमने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया था तो सबको ही बहुत टेंशन थी कि हम लोग जाएं तब तक कोई दिक्कत ना आए, लेकिन जैसे ही बॉर्डर क्रॉस हुआ उसके बाद और फिर इंडिया आके तो बहुत ज़्यादा ही सेफ फील हो रहा है। बॉर्डर्स पे भी सुनने आ रहा था कि जो मिसबिहेव जो यूक्रेन आर्मी की तरफ से किया जा रहा है, पोलैंड बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा हो रहा है कि वहाँ पे यूक्रेनियन जो आर्मीज है वो खुद भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर रही है इंडियन बच्चों के साथ, वहाँ पे उनको बहुत दिक्कत आ रही है। हम लोग हंगरी बॉर्डर से आए थे, हंगरी की इंडियन एम्बेसी बहुत अच्छी है, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी, उन्होंने बहुत अच्छे से रिसीव किया। इवन हमारे बॉर्डर पे भी यूक्रेनियंस ने हमें रोका था कि वो हमें नहीं जाने देंगे, वो लोग पहले जाएंगे ऐसा करके, बहुत सारा था, बहुत देर तक हमको वहाँ हम लोग बॉर्डर पर ही 12 घंटे रुके थे। थोड़ा सा बॉर्डर था लेकिन उन्होंने हमें क्रॉस नहीं करने दिया था, बहुत देर तक वहीं अटके हुए थे। फिर काफी टाइम बाद बहुत स्ट्रगल के बाद फिर मतलब हम लोग को वहाँ पे आगे हंगरी बॉर्डर पहुँचा दिया, और हंगरी जाके हमें इंडियन एम्बेसी ने रिसीव किया, जो बहुत अच्छी है। और मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जो कीव में बच्चे फंसे हैं उनको प्लीज़ जल्दी से बाहर निकाले, वो लोग को बहुत ज़रूरत है, उनको खाना नहीं मिल रहा है प्रॉपर, उनका बहुत दिक्कत है, वो लोग बहुत तो बड़ा सेफ था, बट यहाँ का खाना फिर वो सब फ्लाइट हमारी फ्लाइट बुकिंग हो चुकी थी आने से पहले, बट फिर भी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही थी, बाकी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हो रही थी। बट जो बच्चे कैपिटल में अटके हुए हैं वो लोग उसको बंकर्स में जाना पड़ता है रात को, क्योंकि एयर स्ट्राइक रेगुलर हो रही है। बाकी हम लोग जिनको सेफ था बट जो रियल उनको ज़्यादा फेस करनी पड़ रही डिफिकल्टीज। आप हॉस्टल से बॉर्डर पे कैसे? हम लोग बस करी थी, हमारे हॉस्टल वालों ने यूनिवर्सिटी ने बस प्रोवाइड करी थी और हम बॉर्डर तक पहुँचे, फिर बॉर्डर के आगे एक और बस थी, वहाँ से हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे और फिर एयरपोर्ट पे इंडियन एम्बेसी ने हमको पिक करा। और गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हो, और बच्चे वहाँ फंसे हुए तो? हाँ, जो बच्चे फंसे हुए हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका कोई भी अभी तक कनेक्शन नहीं है, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत है, हमसे भी ज़्यादा उनको बचने की ज़रूरत है। हम तो और भी सेफ जोन में थे बट वो बहुत अनसेफ जोन में है।